आवाज न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की ओर, जहां पर इलाज के अभाव में 10 वर्षीय बालक की हुई मौत। सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन लोगों की जान भी जा रही है। अफसोस इस बात का है कि लापरवाह अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ताजा मामला देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर दोपहर करीब 2:30 बजे देखने को मिला, जब करंट लगने से जीवन और मौत से जूझ रहे एक 10 वर्षीय बालक को डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण, समय से इलाज नहीं मिलने के कारण 10 वर्षीय मासूम ने अस्पताल की चौखट पर ही दम तोड़ दिया। 10 वर्षीय मासूम दीपक रजक, पिता सत्यक्ष रजक, निवासी पटना, बुजुर्ग तहसील रैली को समय करंट लग गया, जब गाँव की महिलाएं नल जल योजना के भरोसे पे पानी भर रही थी। तभी पास में लगे बिजली के स्टार्टर से मासूम दीपक को करंट लगा और वह झुलस गया। एक्सरेड एम्बुलेंस के द्वारा उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। क्या नाम है? सतीश लगा। क्या हो गया आपकी बालक को? अभी हमें पता लगा कि इसको करंट लग गया था, तो इनके माँ वालों के दल लेके आए अस्पताल में, लेकिन एक एक घंटे तक डॉक्टर नहीं है, ये लापरवाही कर रहे हैं। हमें तो कार्रवाई चाहिए सर, और ये लापरवाही किसी और के साथ ना, हम ये चाहते हैं सर। आपको लग रहा है डॉक्टरों की लापरवाही? जी सर, जी सर। क्या नाम है? सतीश रजक। कहाँ के? पटना बुजुर्ग से। स्वास्थ्य केंद्र आए हो, बालक को लेके आए, कौन है बालक आपका और उसको क्या हो गया? हम मामा है उसके, करंट लग गया था मोटर से, स्टार्टर से, और सीधे लेके देवरी आए। एम्बुलेंस को फोन लगाया 108 को, वो उपलब्ध नहीं थी। फिर हम लोग मोटर बाइक से लेके आए, 20 मिनट यहीं पे रुके रहे, कोई डॉक्टर नहीं था। तो क्या लग रहा है, डॉक्टरों की लापरवाही से जान गई? जी, लापरवाही लग रही। क्या नाम है आपका? नेत्राम रजक। तो कितनी देर तक प्रतीक्षा की आप लोगों ने डॉक्टर की? 20 मिनट कोई नहीं आया। जी, के हर मुद्दे की बात, अपने हित की रक्षा की बात, जन जन तक पहुंचे आपकी आवाज। लेटेस्ट और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें आवाज न्यूज 24x7 के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन जरूर दबाएं।